Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम ब्रीफली इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. उसमें हम बात करेंगे कि क्या कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारे सिलेबस का कंटेंट है, क्या कुछ सीख लेंगे हम इस कोर्स में, और उसके बाद हम क्विकली रिवाइज करेंगे जो कुछ भी हमने एटम के बारे में पढ़ा था पिछले कोर्स में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में. राइट, तो वहां पे हमने सीखा था कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है, एटम को कहां से ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स ने उसके बारे में क्या कुछ बताया, और फाइनली हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को क्विकली रिवाइज करेंगे, और फिर अगले लेक्चर से हम इस कोर्स की पढ़ाई शुरू करेंगे. सबसे पहले इस कोर्स के सेलियंट फीचर्स, एक्चुअली हमारे हर एक कोर्स के ये सेलियंट फीचर्स हैं कि हमने कोशिश की है एनसीईआरटी बुक का जितना भी टेक्स्ट है उसकी आपको एक थॉरो नॉलेज प्रोवाइड करें. ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका कोई लॉस नहीं हो, हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में से वो जरूर पढ़ा दें. बट स्टिल मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो कुछ भी हम एक लेक्चर में कवर करें उतना पोर्शन आप एनसीईआरटी बुक में से प्लीज पढ़ लें, वो आपको रियली बहुत हेल्पफुल रहेगा. सातवीं में वी हैव ट्राइड कि जितना भी एडिशनल कंटेंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर दें. आपको इधर उधर किसी भी बुक में कहीं पे कुछ देखना ना पड़े, आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाए इस कोर्स के थ्रू. साथ ही में एक एक टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, आपके कंसेप्ट्स सो दैट कि बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप अपने कॉम्पिटिशन्स में टॉप रैंकर्स में से हो. हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि हम आपको इस तरीके से उसके बारे में नॉलेज दे दें, आंसर कर दें, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. और साथ ही में हमने इसमें कोर्स में इंट्रोड्यूस किया है हैव एन एज सेक्शन, जहाँ पे हमने जो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कुछ कोई ट्रिक्स हो सकती हैं, कोई शॉर्टकट फॉर्मूलाज हो सकते हैं, एक्स्ट्रा देन एनसीईआरटी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, वो हमने इनकॉर्पोरेट करने की इस कोर्स में कोशिश की है. सो आई होप आप हमारे साथ ये कोर्स एंजॉय करेंगे. तो इन केस आपको कोई कमेंट्स देने हो, कोई सजेशंस देने हो, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे ईमेल एड्रेस कोर्स के हर एक लेक्चर के एंड में दिया हुआ है. आपको हमारा कोर्स अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट जब भी कोई लेक्चर आपके लिए हम पोस्ट इन करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए. साथ ही में आप लाइक जरूर कीजिए इस कोर्स को. आई होप आप हमें अपना फीडबैक देते रहेंगे सो दैट कि हम अपने कोर्सेज को आपके लिए और इम्प्रूव कर सकें. तो चलिए देखते हैं पहले इस कोर्स के क्या कंटेंट हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम की, कि वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो उनकी डिस्कवरी कैसे हुई वो हम सीखेंगे. साथ ही में एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में कुछ नॉलेज गेन करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी मॉडल्स साइंटिस्ट्स ने दिए एटम के रिलेटेड, जैसे कि थॉमसन मॉडल है वो क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल मॉडल था एटम का उसकी लिमिटेशंस, फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, बोहर एटॉमिक मॉडल आया उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. साथ ही में इसमें हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कंसेप्ट क्या है शेल्स का, सब शेल्स का, ऑर्बिटल्स का,
क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखेंगे, एसपीडी ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ऑफबॉस प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ये सब कुछ हमने इस कोर्स में सीखना है। और फाइनली फिर इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स लिख पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों हाफ फिल्ड और हाफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं उसको। शुरू करेंगे हम पुराना पार्ट रीकैप करने का जो कि हमने पिछले कोर्स में सीखा था। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। और एटम वर्ड कहाँ से आया, ये हमारी जर्नी शुरू होती है ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स 400 BC के टाइम, जबकि एक ग्रीक फिलोसफर बहुत फेमस थे डेमोक्रेट्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वो भी बताया था कि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो क्या सोचते थे कि हम अगर मैटर ले लें, जैसे कि हम एक चौक ही ले लें, अगर हम उसको पाउडर करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब हम उस मैटर को और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उस पॉइंट पे मैटर को जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे आगे वो सोचते थे कि मैटर को नहीं डिवाइड किया जा सकता, उसको उन्होंने नाम क्या दिया, एटम। ठीक है, तो एटम एक ग्रीक वर्ड से बना है, एटोमियो, उसने जो ए प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है नॉट, और टोमियो का मतलब होता है कट। इसका मतलब है कि एटम का मतलब क्या है, अनकटेबल या इनडिविजिबल, तो एटम को आके डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसके बाद एक फेमस थ्योरी आई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश टीचर थे, हाईली इन्फ्लुएंस थे ग्रीक फिलोसफर से, उन्होंने उसको और साइंटिफिक वे में स्टडी करने की कोशिश की और उन्होंने दी हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उनके अकॉर्डिंगली जो एटम है वो क्या है, स्ट्रक्चरलेस है और इनडिविजिबल है। तो अब हम क्विकली रिवाइज करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। तो जो मेन पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वो क्या थे, पहला तो डेफिनेशन ही हो गया एटम्स का कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। फिर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, उनका मास साइज शेप सब कुछ सेम होता है, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनके मासेस डिफरेंट होते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करेंगे एक डेफिनेट रेशो में, रेशो को चेंज कर देंगे तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। सो आई होप आपको ये सब याद है। और फाइनली एटम्स दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, राइट? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बहुत सारी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो बेसिकली जो मेरिट्स थी वो ये थी कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बट उसकी लिमिटेशन कहाँ पे आई थी कि जब वो गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये और बहुत सारी और लिमिटेशंस हमने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट्स में डिस्कस कर ली हैं, सो मैं अब दोबारा से उनको नहीं डिस्कस करूंगी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्पेशली जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक ग्लास और एबोनाइट को जब रब किया जाता है सिल्क या फर के साथ तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई। तो बाय द
एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए वेरियस साइंटिस्ट्स, जैसे कि थॉमसन थे, रदरफोर्ड आए, नील बोहर है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां से साइंटिस्ट्स ने ये बताया कि जो एटम्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए हैं, दैट इज कि जो एटम है वो आगे डिवाइड हो सकता है. और किस में डिवाइड हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. तो ये सब कुछ स्टडीज उनकी ने बताया. और ये जो सब कंसेप्ट था वो बिल्कुल डाल्टन से अलग था, बिकॉज डाल्टन ने कहा कि एटम तो इंडिविजिबल है, राइट. सो ये सब बातें हम अपने अगले लेक्चर से शुरू करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है एटम के स्ट्रक्चर के, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे चीजें हमारे सामने आती रही, और ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. तो अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी कोर्स में द एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वहां से हम शुरू करेंगे द डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स. सेकेंड लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से अपनी जर्नी इनटू द एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे. अगर आपको हमारा ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर कीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए एक नया लेक्चर पोस्ट इन करें. तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.